क्या हो गया? तो पिछले वीक हमारा एक दिन मिस हो गया था। पापा ने खाए गोभी वाले परांठे। पापा बोलते कि मैंने गोभी वाले परांठे नीचे करने, मेरे को कोई काम दो। उतना ही करो जितना होता है। जब पहला मेंटर मेरा था ना, तो मेरे को भी इतना ही चाह था स्नो का। अभी स्नो नहीं अच्छी लगती। मम्मी पापा पहली बार आए ना, इनको भी चाह है स्नो का। अभी दो तीन दिन हो गए पापा बोलते रोज डेली चलो स्नो साफ करते बाहर, चलो स्नो साफ करते बाहर। बहुत बार मैंने बताया ना, गाड़ी ऊपर से निकालने से पहले अगर इसको साफ कर लें, एक मिनट में साफ होती है। अभी डबल टाइम होता है। ये देखो इस साइड में हाल देखो क्या हुआ है। ये साफ करने में बहुत ज़्यादा जान जाएगी, इसलिए हमने इंजीनियर इंडिया से मंगाए हुए हैं। ये देखो लगे हुए हैं, इनको मोटी रकम देनी पड़ेगी। डॉलरों में डील करते हैं ये, चाहे इंडिया से ही आए हैं। मम्मी ने इंडिया बहुत सारी सब्जी लगाई हुई है अपने घर में। मम्मी बोलते हैं कि मेरा टाइम नहीं पास हो रहा। हाँ मम्मी, अभी टाइम पास हो रहा है? बहुत ज़्यादा। ये आपके बालों को क्या हुआ? बूढ़े हो गए। सुनो पड़ेगा। कल तो सही थे, सफ़ेद हो गए हैं, बूढ़े हो गए। पापा के आईब्रो भी सफ़ेद हो गए। ये क्या हो गया? आपके आईब्रो भी सफ़ेद हो गए। मम्मी ये कोई भिंडी लगाई हुई है, आराम आराम से कर रहे हो। सुनो ये उठाओ चले अंदर। मम्मी टी शर्ट मैंने आपको दी थी ना वॉश करने के लिए, मैंने तो बाहर डाल दी है। इधर धूप में बाहर। बाहर किधर? बाहर डाल दी है, धूप बहुत थी। मैंने बोला धूप में जल्दी सूख जाएगी। मैं बेसमेंट में ढूंढ रहा हूँ जाके टी शर्ट, मैंने आपको बोला था बेसमेंट में डाल दो। नहीं मैंने तो बाहर डाल दी धूप में। दरवाजा खोल तो देखो, टी शर्ट बाहर डाल दी धूप में। डोर खोल के देखो, मैंने सूख गई होगी। बाहर किधर डाल दी धूप देख के? बाहर ये सब आंखों का धोखा है। कहाँ डाली इस तरफ उधर? मैंने तो बोला धूप है, धूप में जल्दी। मेन डोर के बाहर? हाँ मेन डोर के बाहर, सीढ़ी के ऊपर। अभी इसको दिखाओ। उठो उठो जैकेट डालो दिखाता हूँ। ये देख मैंने यहाँ डाली है। यहाँ डाली है ये देख। अरे भैया ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नहीं सूख गई कि नहीं सूखी? अभी ये डाली थी तो पापड़ी बन गई। नहीं ये मेरी टी शर्ट का हाल देखो क्या बना। मैंने बोला बेसमेंट में, वो देखो नीचे भी नीचे। वो देखो कॉर्नर में। अरे भैया मैंने तो बोला ये सूख जाएगी। इतना शुक्र है कि मैंने अपनी घर डालने वाली टी शर्ट दी थी, इसमें पसीने की बदबू आ रही है। आप वॉश करके ना, तो लॉन्ड्री को भी टाइम है, तो अंदर डाल दो। मेरी माँ ने देखो इसको, मेरी माँ ने सूखने डाल दिया इसको बाहर। धूप थी तब इस तरफ, अभी तो यहाँ पे छांव आ गई है। यहाँ पे तो इतनी देर बंदा रखेंगे, बंदा आकर जाएगा मुर्दे की तरह। ये तो मेरी टी शर्ट थी। बोला सूरज की धूप इतनी है। ओ मैंने बोला था बेसमेंट में डाल दो। पकड़ी गई, पकड़ो अभी इसको। इसको उधर डालो बेसमेंट में अंदर। अरे इसको कट्टी तो कर ले। ये मेरे काम की नहीं रही। अभी मैं आपको कितने दिन से समझा रहा हूँ कि बात ठीक नहीं होगी। नहीं ठीक हो जाएगी। अभी इसको बेसमेंट में डाल के उसका पानी निकलेगा पूरा। उससे पहले डाली थी ना स्नो से पहले? हाँ मैंने पहले डाली थी। मैंने बोला हाँ ये सूख गई, अभी मैं डाल लेता हूँ। सूख तो गई है पर। हाँ डालो मैं डाल लेता हूँ। नहीं डाल लेता हूँ मैं। मैंने बोला सूख जाएगी, इंडिया में सूख जाते ना बाहर कपड़े। हाँ ये भी सूख गई ना अभी देखो। शुरू करो आपने मेरे जैसे बंदे को नहीं बाहर डाल दिया कि आओ भाई तुमको बाहर थोड़ा देर धूप देखने के लिए लेके जाते हैं। इसको बेसमेंट में डाल के बेसमेंट में। ये तो अकड़ी गई। नहीं बेसमेंट में। ओ कहाँ आता है बेसमेंट? देखा फिर बेसमेंट के चक्कर में फिर बाहर जा रहे हैं। ये है अपनी बेसमेंट, ये बेसमेंट है, ये वाली okay, ये वाली हाँ। लाइट जगा लो बेसमेंट में डाल के, जहाँ वो काके कपड़े डाले थे ना वहाँ। मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये मेरी टी शर्ट ना धोगे ना सूखने डाल दो उधर। मम्मी को कुछ बेसमेंट के बेसमेंट मैंने नीचे चल के मैंने बाहर डाल दी सीढ़ियों के बाहर।
फिर बोलो बाहर वाली सीट के ऊपर हरे रंग की टी-शर्ट डाल दी उन्होंने मेरी गन डालने वाली फिर थल्ले चल गई जब उठाने के लिए गए तो अकड़ी हुई थी दूध भी कैसे करता है जैसे आंखें नहीं खोलता बहुत जबरदस्ती करता है आंखों से थोड़ी सी खोल के फिर बंद कर लेता है देख 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 चल जी कला नहीं नहीं अभी नशा पूरा नशा है अभी कितना बाटली खाली किया ए भैया ये चाहिए हमको एक ये सही पापा है ना ये है भी 1.2 लीटर है ये 1 लीटर की है कितने तरीके की गर्म पानी की बोतलें ठंडे पानी की बोतलें हमको चाहिए बाल्टी और मग उसके चक्कर चक्कर में मैंने $200-$300 की शॉपिंग और कर दी लेकिन वो नहीं मिली अभी ये भी नहीं ये भी सही नहीं हमारे काम का नहीं है भाई जल्दी से पसंद नहीं आएगा कुछ भी यहाँ पे काके के लिए ना कंबल देख रहे हैं ब्लैंकेट मिल नहीं रहे ये देखो ऊपर पड़े हुए ये नहीं सही ये वाला कलर वाला ये क्या है बढ़िया है पतला है ये सही है सही अभी खोल के देखा था इतना सही है अरमान सिंह के लिए बेस्ट होगा ये कौन सा रंग चाहिए पापा तीन बहुत है पापा यही चाहिए थी ना हाँ हाँ यस 2000 साल के बाद में 10 लीटर वाली बाल्टी मिल गई अपने को मम्मी बोलती है इंडिया से मंगाएंगी वूल और वूल देखो यहाँ पे कितनी पड़ी हुई है ये देखो और हर एक छोटे छोटा सामान ये देखो ये थ्रेड पड़े हुए हैं थ्रेड देखो कितने मम्मी को दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मम्मी देखो हर एक चीज़ मिलती है कनाडा में बेइज्जती हो गई थी हमारी सुबह सुबह आज मम्मी को दिखाने के लिए कि देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पे वूल है क्यों टेंशन ले रहे हो बोलते हैं इंडिया से मंगवानी है यहाँ पे महंगी मिलेगी या मिलेगी नहीं इसमें चाबी बन जाती है यहाँ पर 2 मिनट में चाबी की कॉपी बन जाती है यहाँ पर कॉपी की इन 1 मिनट घर की चाबी कोई भी चाबी ले के आओ 1 मिनट में कॉपी बन जाएगी ऑन द प्रूफ सारे काम करता हूँ मैं क्या चाहिए तेरे को सबवे भेजता हूँ डॉक्टर को तेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करके चल ठीक है ओके स्नो के इतना बड़े बड़े पहाड़ बने हुए दिखता है कुछ नहीं गाड़ियाँ मेरे बड़े ट्रैक में तो गाड़ी दिख ही नहीं थोड़ा आगे करूँगा तो मेरी गाड़ी ही रोड के ऊपर चढ़ जाएगी जैसे मैं दुबई से करणजीत की तरह मेरे पास दुबई का लाइसेंस है मेरे को दोबारा ये इसका पूरा तालीम लेना पड़ेगा कार चला सकते हो 3 महीने लेकिन जब आपके पास में लाइसेंस है लेकिन फिर भी आपको कार के लाइसेंस के लिए पहले कंप्यूटर पर टेस्ट देना पड़ेगा 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 17 ठीक करने होते हैं 14 होते हैं या 15 होते हैं मेरे ख्याल में श्योर नहीं है या 16 होते हैं अगर वो पास हो गया उसके बाद में आपको लेसन लेने पड़ेंगे किसी से यहाँ के कानून सीखने पड़ेंगे उसके बाद में आपका रोड टेस्ट होगा सही फिर उसके बाद में कार का लाइसेंस मिलेगा फिर उसके बाद में ट्रक का अगर लेना है तो ये वाला लाइसेंस अपने पास रख लेंगे बाद में वापस नहीं करेंगे मेरा भी दुबई का लाइसेंस इन्होंने पार दिया था ईजी होता है आसान होता है ज़्यादा मुश्किल नहीं है जो बंदा कार चलाता है आप तो चलाते लेफ्ट साइड में दुबई में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइसेंस हर एक का बन जाता है किसी का पहली में किसी का 10वीं में कोई बात ना बात किस्मत पे भी आती है भाई आपका दुबई में पहले ट्राई में बन गया था पहले ट्राई में बना दुबई में मेरा भी पहले ट्राई में बना ट्रक का पापा का भी पहले ट्राई में बना ऊपर वाले ने इतनी कृपा की कनाडा में आए कनाडा में भी मेरा पहले ट्राई में ट्रक का और कार का दोनों का पहली ट्राई में एयर ब्रेक के टेस्ट में मैं फेल हुआ था एक बार वो दूसरी बार देना पड़ा था मैं क्वेश्चन गूगल से रेडी करके गया था लेकिन क्वेश्चन आए किताब में से ये चक्कर पड़ गया था बस बाकी सारे टेस्टों में पहली बार ऊपर वाले की कृपा से सब बढ़िया हो गया यही चाहिए था कनाडा की बेइज्जती नहीं करनी हर एक चीज़ मिलती है यहाँ पे मम्मी बोलते हैं ये से मंगाएगी बॉल यहाँ पे मिलेगी नहीं या महंगी मिलेगी ये $4 की है ₹200 की ₹200 के एक बॉल उधर तो ₹200 के इतने आ जाते हैं ये वाले और क्या तो अभी उधर से मंगाएंगे तो पैसा नहीं लगेगा ये तो ये टेस्टी है ये तो बहुत टेस्टी है पक्की बात है इसमें हाँ इसमें वाओ सही हो गया पापा ना ये रैग लेके आए थे अच्छा काम आ गया अपने ना फिट हो गया काम यहाँ वाला सारा कचरा था जूतों का सब उसमें फिट हो गया जो बाहर सीएंगे उसका पानी नीचे जाएगा ट्रे में वो ट्रे भी नहीं लेके आए थे जब बंदे जाते हैं ना शॉपिंग के लिए तो ऐसे हजारों जुगाड़ लगा के लेके आते हैं ऐसे धुएं निकलते हैं देखो आपका भाई कर रहा है कुकिंग सब्जी बन के हो गई है रेडी ये लो पापा करो ट्राई डिश का नाम मत पूछना बस नाम अभी रखना नाम अभी रखेंगे
सही है नंबर 1 टेस्ट। अभी पूछो नाम क्या है इसका, क्या नाम है, क्या रखें? चिकन भुर्जी। चिकन भुर्जी है ये। अपनी तरफ से मैंने कीमा बनाने की कोशिश की है, लेकिन कीमा बनाने के लिए थोड़ा और सामान चाहिए, लेकिन एक नंबर बिकेगा मार्केट में। मैंने बोल अंडा भुर्जी, पनीर भुर्जी, चिकन भुर्जी के लिए हमारे पास संपर्क करो, एड्रेस आपको मालूम है, विनीपैग कनाडा। ऑर्डर आपको 2 दिन पहले देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मूड पर डिपेंड करता है, मूड अच्छा होगा तभी शायद बना सकता है, अदरवाइज ये बन नहीं सकता। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना यार आज की छोटी सी वीडियो को। मिलते हैं कल नई वीडियो में, क्यों बाबा? बिल्कुल, कल एक और नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, रब रखा, रब रखा। हम करेंगे एंजॉय चिकन भुर्जी को। पहले दोपहर को 1:30 बजे 2 बजे आते थे उठाने वाले, अभी कभी कभी सुबह 5 बजे आ जाते हैं। तो पिछले वीक हमारा एक दिन मिस हो गया था, तो एक वीक भी आपका घर पे मिस हो जाए ना, तो आपको मालूम है छोटे छोटे से बिन है, तो बाद में बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। सारी स्ट्रीट वाले रात को ही निकाल के रख देते हैं। बहुत ज़्यादा चिल्ड हवा मग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा। टेम्परेचर आज रात को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है। और फिर से ढक्कन खुल गया उसका, मैं बंद करके आया था, लेकिन मैंने नीचे कर दिया कि कोई लिफाफा उठ ना जाए उसमें से। आज रात को काफ़ी हवा चलने वाली है। बुरा लगता है यार अगर आपका घर भी निकल के बाहर स्ट्रीट में घूम रहा है तो अच्छा नहीं लगता। आज जैसे -40 फील लगी था ना, तो आज रात में फ्लक्चुएट हो के कल +1 को टच करेगा दोपहर को, और फिर वापस फिर से माइनस में चला जाएगा। हाथ निकल रहे ठंड से बाहर, इतनी हवा चल रही है। आपने दोपहर को टी शर्ट डाल दी थी ना, अभी बाहर खुद निकल के दिखाओ। Bonnie and Clyde.